वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वी आर हाफ वे थ्रू द वर्ल्ड कप चार मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान के और हम नजर डालेंगे उन स्टैट्स के ऊपर उन सरप्राइजिंग स्टैट्स के ऊपर आई होप आपको सरप्राइजिंग लगे कि अभी तक पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही है हर डिपार्टमेंट में सो so हम स्टार्ट करते हैं बैटिंग से बैटिंग में एक स्टार्ट अभी तक हमें पता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त लीडिंग टॉप स्कोर हैं वर्ल्ड कप के एक बड़ी प्राउड हमारे लिए बात एंड आई होप कि ये कंसिस्टेंट रहे उनकी फॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एंड मजे की बात यह है कि इन्होंने जो टॉप स्कोरर बने हैं इन्होंने ना ही सबसे ज्यादा चौके मारे हुए हैं अभी तक ना ही सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं उसके बावजूद ही इज द टॉप स्कोरर। बट अगर चौकों की बात करें बाउंड्रीज की तो वन ऑफ द हाइस्ट हैं उनकी नो no डाउट एंड वी होप के वो ये अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखें उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिक्स की तो पाकिस्तान टीम ने अभी तक टोटल पंद्रह छिक्के स्कोर किए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर उन पंद्रह छिक्कों में से भी पांच छिक्के जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक ने मारे हैं तीन रिजवान ने तीन इफ्तार ने और एक एक जो है वो शादाब आरसरफ साउद शकील और मोहम्मद नवाज ने मारा है इमामक एंड बाबर आजम आई येट टू स्कोर अ सिक्स इन द वर्ल्ड कप सो आई थिंक बाबर भाई इट्स अबाउट टाइम टू स्टार्ट गेटिंग एग्रेसिव एंड फॉर देट मैटर इमाम एज वेल नो डाउट इमाम की एवरेज अच्छी रही है सो फार इन द वर्ल्ड कप बट एक एग्रेसिव इंटेंट जो है वो हमें चाहिए स्पेशली हमने देखा है कि पावर प्ले में कुछ छिक्का ही नहीं हमने मारा है पता नहीं कितने मैचेज थे सो इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा सा अग्रेसिव हों इसमें कोई शक नहीं है कि छिक्का हमारे बगैर रन नहीं स्कोर हो सकते हम कर रहे हैं बट आपके स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होता है एट टाइम्स बॉलर्स पे प्रेशर आता है एंड यू कैन डेफिटली कैप्टलाइज ऑन डैट और आपके जो बाद में जो बैट्समैन आते हैं वो भी उसके ऊपर कैप्टाइज करना उनके लिए भी आसान हो। पंद्रह छिक्के मारे हैं अभी तक पाकिस्तान ने और मज़े की बात कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ अभी तक सिर्फ उन प्लेयर्स ने अपनी टीम में से जो है पूरे पाकिस्तान की टीम ने जितने छिक्के मारे उससे मार दिए अगर आप मैंडिस नाम लें तो मेन्डेज ने तकरीबन तो चौदह पंद्रह सिक्स स्कोर कर दिए हैं रोहित शर्मा ने दस से ज़्यादा सिक्स स्कोर किए हुए हैं वार्नर ने टेन से ज़्यादा सिक्स स्कोर किए हुए हैं अभी तक टूर्नामेंट में सो फार तो ये एक बड़ा नो सरप्राइज़ टू मी बिकॉज मैं तो ये नोट कर रहा हूँ और पहले भी बोल रहा था कि पाकिस्तान कोई मतलब ठीक है वनडे इंटरनेशनल है माना टी नहीं है लेकिन यार आपको स्कोर करने सिक्सेस स्पेशली छोटा ग्राउंड जो हमने बेंगलुरु में देखा इतना छोटा ग्राउंड था इतनी छोटी बाउंड्री थी उस पर भी मुश्किल से हमारे प्लेयर्स ने छिके मारे और मुश्किल से जो छिके मारे वो भी मुश्किल से जो है बाउंड्री क्रॉस किए एक्सेप्ट फॉर uh, इफ्तार तो वो इंटेंट ही नहीं शो हो रही कि यार हम बाहर निकलें क्रीज से थोड़ी फेयरलेस क्रिकेट मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ पाकिस्तान नीड्स टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट बहुत डर के खेल रहे हैं और ये स्टार्ट भी शो करें एनी anyway, वे तो अब हम आते हैं बॉलिंग की तरफ बॉलिंग में जो सबसे अच्छा स्टैट पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि शाहीन का जो फाइव फॉर फिफ्टी फोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था वो इस वक्त का बेस्ट बॉलिंग फिगर बन चुका है वर्ल्ड कप का ट्वेंटी के वर्ल्ड कप का एंड शाहीन के अलावा सिर्फ एक ही बॉलर है जिन्होंने फाइव विकेट्स लिए हैं वो मिचल सैंडनर है उसके अलावा और कोई बॉलर इस वक्त फाइव विकेट हॉल नहीं सिक्योर कर सका वर्ल्ड कप में सोफान so और अभी हर टीम के चार मैचेस ही हुए हैं अगर हम बात करें फ़ोर विकेट्स की तो पाकिस्तान में सिर्फ हसन अली हैं जिन्होंने फोर विकेट्स मैनेज किए हैं उसके अलावा कोई और बॉलर पाकिस्तान से नहीं है जो फोर विकेट्स मैनेज कर सका हो एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट क्लियरली एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए सो नीड टू टेक मोर विकेट्स एक और अच्छा स्टैड पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए वो ये है कि अभी तक बेस्ट इकॉनमी मतलब कि सबसे कम रन्स किस बॉलर ने दिए हैं वो हैं इफ्तार और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि बाबर नीड्स टू पुट मोर कॉन्फिडेंस इन इफ्तार उनको ट्रस्ट करें उनकी बॉलिंग पे हम देख चुके हैं वो अच्छा ही नोज़ हाउ टू प्लेस द बॉल अच्छी लाइन पे बॉल कराते हैं अच्छा बॉल डालते हैं फाइव की इकॉनमी है उनकी आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया के गेंस पूरे ओवर्स क्यों नहीं कराए बट खैर इस वक्त हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ तखार हैज़ द बेस्ट बॉलिंग फिगर्स और मजे की बात यह है ये वो स्टैट्स हैं एट टाइम्स आप इन स्टैट्स पे नज़र नहीं डालते हैं और टाइम्स सिर्फ डाटा देखने से आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आई एम पीटी श्योर एज अ कैप्टन एज कोच एज मैनेजमेंट आप स्टैट्स को तो देखते ही होंगे तो स्टैट्स देख के आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यार मैं अपनी स्ट्रेटजी में किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ किन को नहीं कर सकता हूँ डूज एंड डों का आइडिया हो जाता है फील्डिंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है हमारे पास उसामा मीर डिस्पाइट ड्रॉपिंग डेविड वार्नर्स वेरी इंपॉर्टेंट कैच जब वो 11 रन पे थे और उसके बाद ही मैनेज टू स्कोर 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी रन सामा मीर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ चुके हैं उसामा मीर ने उसी मैच में उसके बाद एक और कैच पकड़ा और दूसरा कैच जो है वो अपनी बॉल पर पकड़ा दो कैच उन्होंने पकड़े एक कैच ड्रॉप किया और अभी तक तो पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं है जिसने दो से ज्यादा कैचेस पकड़े हों जस्ट सिंह शदाब ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैचेस पकड़े आई थिंक दो तीन कैचेस पकड़े थे बट वो एज अ सबस्टिट्यूट आए थे एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्टेटिस्टिक्स काउंट नहीं होते हैं आई के रूल्स में सो या वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर शदाब एंड नंबर्स ये शो कर रहे हैं उसामा मीर ने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं अभी तक वाओ अच्छा जी अब एक और स्टार्ट जो मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है एल बी डब्ल्यू लेग बिफोर विकेट कॉट बिहाइंड मतलब के पर जब कैच पकड़े आपका निक हो जाए एज हो जाए बॉल एंड देन क्लीन बोल्ड क्लीन बोल्ड मतलब कि चलें उसको हम मान लेते हैं कि अगर इन साइड एज भी हो जाए तो बोल्ड हो गया और विकेट छोड़ गई ये तीन ऐसी विकेट्स होती हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स जब इस तरह से बैट्समैन आउट होता है तो बॉलर का कमाल होता है ज्यादा कि ना कि बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कह सकते हैं कि बॉलर के कमाल से बैट्समैन आउट हुआ बॉलर ने ट्रैप किया बॉलर ने मजबूर किया बैट्समैन को यहां आउट करने पर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ तीन एल बी डब्ल्यू किए हैं लेग like बिफोर विकेट पांच कॉट बिहड किए हैं एंड चार क्लीन बोल्ड किए हैं और इसमें से भी मैक्सिमम जो हैं वो नैदरलैंड के अगेंस्ट आए थे मतलब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ तो खैर कोई विकेट खास मैनेज हो ही नहीं सकी उनमें आपने ये जो तीन तरह की विकेट्स होती हैं वो अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं मैनेज कर पाया है पाकिस्तान अभी तक बॉर्स जो हैं अभी तक बैट्समैन को ट्रैप नहीं कर पाए हैं बॉलर्स ने अभी तक मजबूर नहीं किया बट्समैन को कि वो आउट हो ना कि बैट्सैन अपनी गलती से आउट हो बल्कि वह मजबूर करेंगे बैट्समैन को कि यार ठीक है तुम क्वालिटी प्लेयर हो बट यू नो टेक दिस डील विद दिस हाउ यू कैन प्ले दिस अनफॉर्चुनेटली वी वर वी आर अनएबल टू डू दैट सो फार मोस्ट ऑफ द टाइम सो अगेन एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए आई डोंट नो क्या कोचेस बता रहे हैं क्या लाइन लेंथ रखनी है क्या होमवर्क हो रहा है डिफरेंट प्लेयर्स के अगेंस्ट सो स्ट्रेटजीज नीड चेंज कैप्टनसी में बॉलर्स को किस टाइम पे लाना है दैट नीड्स टू चेंज किस बॉलर को किस बैट्समैन के अगेंस्ट लाना चाहिए किस किस तरह की बॉल किस बैट्समैन को करानी चाहिए क्या उसकी वीकनेस है उस पर काम होना चाहिए क्या फील्ड सेट होनी चाहिए किस बैट्समैन के अगेंस्ट इस पर काम होना चाहिए एंड ये स्टैट्स ही हैं जो सारे आपको हेल्प करते हैं इन चीजों पर आज की वीडियो थी ऑल अबाउट दीज इंटरेस्ट आज की वीडियो थी ऑल अबाउट दीज इंटरेस्टिंग स्टार्ट हाफिज़